आज की वीडियो में हम बात करेंगे 60 और 70 के दशक के एक ऐसे चेहरे की जिसने अपनी खूबसूरती और अभिनय कला से सिनेमा जगत पर राज किया और अपनी आकर्षक छवि और दिलचस्प अदाओं से सभी को अपना दीवाना बना लिया। बता दें कि उस दौर की आम जनता ही नहीं, उस दौर के मशहूर कलाकार और बड़े बड़े अभिनेता भी उनके हुस्न के कायल हुआ करते थे। बात करेंगे अपनी रेशमी जुल्फे शरबती आंखों से सभी को दीवाना बना देने वाली बॉलीवुड अदाकारा मुमताज की। दोस्तों, एक समय पर फिल्मों में मुमताज के होने से ही फिल्मों का सुपरहिट होना पहले से ही निश्चित होता था। मुमताज ने बॉलीवुड में अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक स्टंट अभिनेत्री के तौर पर काम किया था, इसलिए पहले उन्हें स्टंट क्वीन के नाम से भी जाना जाता था और देखते ही देखते वो एक रोमांटिक अभिनेत्री के रूप में जाने जाने लगी। हालांकि उनके लिए कलाकार से बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन बनने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसके अलावा उन्होंने अपने बचपन में भी कई मुश्किलों का सामना किया। वो बॉलीवुड में काम पाने के लिए कई स्टूडियोज के चक्कर काटती रहीं और तब जाकर बॉलीवुड को एक बेहतरीन अभिनेत्री मिली। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुमताज ने बॉलीवुड की अभिनेत्री बनने तक का सफर कैसे तय किया? कैसा था उनका बचपन? किसने दिया उन्हें बॉलीवुड में काम? वो कौन से अभिनेता थे जो मुमताज को अपना दिल दे बैठे थे? मुमताज की शादी किससे हुई और आज वो किसके साथ रहती हैं? यदि जानना चाहते हैं आप इन सारे सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुमताज के प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन की। इसके अलावा हम मुमताज की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई राज बताएंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 में मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। मुमताज ने अपने बचपन में कई मुश्किलों का सामना किया। उनके पैदा होने के एक साल बाद ही उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और अपने माता पिता का डाइवोर्स होने के बाद मुमताज अपनी माँ के साथ ननिहाल अपनी नानी के घर चली गई। जब मुमताज बड़ी हुई और चीज़ों को समझने लगी, उस समय उनका परिवार वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन मल्लिका ने फिल्म जगत में कार्य करने का फैसला लिया। उस वक्त मुमताज केवल 12 वर्ष की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया से की, जिसमें वो एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। इतनी छोटी उम्र में फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उनके लिए एक अभिनेत्री के तौर पर काम मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। मुमताज के कहे अनुसार, एक समय पर वो अपनी बहन के साथ कई स्टूडियोज के चक्कर काटा करती थी। उन्होंने कभी किसी छोटे रोल को करने से भी मना नहीं किया। उनको जो रोल मिल गया वो उन्हें खुशी खुशी निभाती गईं। हालांकि उनकी माँ और चाची दोनों ही पहले से हिंदी सिनेमा में काम करती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा ही सहायक अभिनेत्री की भूमिका निभाई और बॉलीवुड में उनकी किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं थी, जिस वजह से वो मुमताज को अच्छा काम दिलाने में उनकी मदद नहीं कर सकी। बता दें कि एक बाल कलाकार के तौर पर मुमताज ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 1960 की स्त्री, सहरा, मुझे जीने दो और गहरा दाग जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन फिल्मों में छोटे रोल होने की वजह से दर्शकों ने कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो रातों रात एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। दरअसल हुआ यूं कि एक समय पर रेसलर से बने अभिनेता दारा सिंह के साथ बॉलीवुड की कोई भी अभिनेत्री काम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बेहद लंबे कदकाठी के थे। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर महमूद हसन की मुलाकात अभिनेत्री मुमताज से हुई। महमूद ने दारा सिंह से मुमताज के बारे में बात की और उनसे पूछा कि उन्हें मुमताज के साथ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं है। तब दारा सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फिल्म की हीरोइन कौन है, और रही बात मुमताज की, तो मुझे मुमताज के साथ काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है और इस फिल्म में पहली बार मुमताज में बतौर अभिनेत्री के तौर पर काम किया। फिल्म का नाम था फौलाद और 1963 की इस फिल्म से मुमताज एक बाल कलाकार से मुख्य अभिनेत्री के नाम से जानी जाने लगी। मुमताज के लिए वो बहुत बड़ी खुशी का मौका था जब 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्म फौलाद में नायिका राजकुमारी पद्मा का किरदार निभाने का मौका मिला। ये स्टंट फिल्म ऐसी चली कि दारा सिंह और मुमताज की जोड़ी हिट हो गई। फिल्म में मुमताज के काम को देख सभी लोग उनके अभिनय के दीवाने हो गए और इस फिल्म के बाद मुमताज को बतौर अभिनेत्री कई फिल्में ऑफर हुई। इस फिल्म को लेकर मुमताज ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे अभिनेत्री दारा सिंह ने बनाया है। इस फिल्म के बाद इन दोनों की 15 एक्शन फिल्में आईं, जिनमें वीर भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर ए आजम, रुस्तम ए हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों ने धूम मचा दी, जिसके बाद मुमताज और अभिनेता राजेश खन्ना की जोड़ी को भी दर्शकों ने पर्दे पर बेहद पसंद किया। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दो रास्ते, सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी कई फिल्मों में काम किया और सभी फिल्मों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। मुमताज की ये सभी फिल्में सुपरहिट रहीं।
साथ ही मुमताज अब बॉलीवुड की एक बेहतरीन अभिनेत्री बन चुकी थी और निर्माताओं की पहली पसंद हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, उस दौर के सभी बेहतरीन कलाकार मुमताज के साथ काम करने के लिए बेताब हुआ करते थे। उन्होंने अभिनेता शशि कपूर के साथ चोर मचाए शोर और प्रेम कहानी जैसी कामयाब फिल्में की। उनके संपूर्ण करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में 100 से भी अधिक फिल्में की, जिनमें लगभग 60 फिल्में हिट या सुपरहिट रहीं। एक तरफ फिल्म रूप तेरा मस्ताना में मुमताज ने डबल रोल भी किया, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म खिलौना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मुमताज जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। शम्मी कपूर उनसे प्यार करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज कम उम्र में अपनी फिल्मी करियर छोड़ने को तैयार नहीं थी और शम्मी कपूर नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी पत्नी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। इसलिए फिर दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए और हमेशा के लिए अलग हो गए। फिल्म बंधे हाथ में उनके साथ अभिनेता अमिताभ बच्चन ने काम किया था। उस वक्त अमिताभ उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते थे और उसे खरीदने की इच्छा रखते थे। जब मुमताज को इस बात का पता लगा तो उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। इस बात से साबित होता है कि मुमताज एक खूबसूरत चेहरे के साथ एक खूबसूरत दिल भी रखती हैं। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो मुमताज के माता पिता दोनों ईरानी मूल के थे, जो कि बाद में मुंबई भारत में आकर बस गए थे। मुमताज के पिता का नाम अब्दुल समीर अस्करी था और वो एक सूखे मेवे के विक्रेता थे। इसके विपरीत मुमताज की माँ सरदार बेगम हबीब आगा उर्फ नाज फिल्मों में एक अभिनेत्री थी। साल 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया और मुमताज अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर पर रहने लगी। मुमताज के दो भाई और एक बहन भी है। उनके भाई का नाम शाहरुख अस्करी और शहजाद अस्करी है। उनकी छोटी बहन का नाम मल्लिका अस्करी है, जो फिल्मों में काम करती है। मल्लिका अस्करी की शादी पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से हुआ था। अब एक नज़र डालें उनके निजी जीवन पर तो उन्होंने 27 साल की उम्र में साल 1974 में युगांडा के व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की। शादी के बाद मुमताज ने अपने करियर को छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया और अपने पति के साथ लंदन जाकर बस गईं। बता दें कि एक बार उनके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनकी शादी टूटने के कगार पर थी, लेकिन दोनों के अटूट रिश्ते और समझदारी की बदौलत ये रिश्ता टूटने से बच गया और आज दोनों साथ हैं। मुमताज और मयूर की दो बेटियां हैं जिनके नाम नताशा और तानिया हैं। सन 2005 में उनकी बेटी नताशा ने फिरोज खान और सुंदरी खान के बेटे अभिनेता फरदीन खान से विवाह किया था। फरदीन खान और नताशा के दो बच्चे हैं, डियानी इस्पेला खान और अजारियस फरदीन खान। इसके अलावा मुमताज की दूसरी बेटी तानिया के हस्बैंड का नाम मार्को सिलिया है और उनका भी एक बेटा है। मुमताज को 54 साल की उम्र में स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन उन्होंने कैंसर को मात दी और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो मुंबई से दूर लंदन में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुमताज जी के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में क्या राय रखते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।